नमस्कार, मैं चांदनी न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे हेडो स्थित ओल्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के बारे में, जहां के लोगों ने बताया कि आसपास काफ़ी कूड़ा कचरा रहता है, जिसे म्युनिसिपल के कर्मचारियों द्वारा साफ नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आसपास के लोगों को काफ़ी कठिनाइयां होती है। लोगों की मांग है कि म्युनिसिपल से कि वे जल्द से जल्द कूड़ा कचरा को हटाएं। आइए जानते हैं लोगों ने इस विषय में क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए पोंगी चौक है। यहाँ के कुछ लोगों ने हमें कॉल किया और उन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, और इसे रूबरू करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये पोंगीचौ वार्ड है। हम जो तरफ का खड़े हैं, ये वार्ड नंबर 6 है और इन लोगों को जहाँ पर समस्या है वो है वार्ड नंबर 3 रोड के अपोजिट पे, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि रोड पे अपोजिट पे जहाँ पर यहाँ पर ये लोग गाड़ी पार्क कर करते हैं, वहाँ पर कुछ लोग कूड़ा कचरा वहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं और ये जस्ट जहाँ पर ये रहते हैं उसके बीच में रोड है, रोड के जस्ट अपोजिट में। तो आइए इसी विषय में हम जो रोड के अपोजिट में जो शॉपकीपर से हम उनसे बात करते हैं और वहाँ के लोगों से हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम लोकनाथ। तो बताइए सर, हम लोग 6 नंबर वार्ड से तो मैक्सिमम सफाई करके जाता है, लेकिन 3 नंबर वार्ड का आगे बाल में वो मस्जिद का पीछे सामने रोड का साइड पर ना पूरा 1 मीटर ऊंचा में पूरा हमेशा कचरा रहता था। उसके बारे में पार्किंग प्लेस भी बंद हो गया और भी कभी भी फायर कुछ ने हो गया उन से एरिया में कितना गाड़ी पार्किंग करके रखा वो सब चल जाएगा और हमेशा यही मामला होता है वो तरफ से। नहीं सर, वो तो आपकी बात तो सही है, बट हम आइए रोड क्रॉस हो के हम देखते हैं। रोड क्रॉस हो, आइए। देखिए रोड के इस पर, देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, यहाँ पर ओपन डंपिंग इज प्रोहिबिटेड, वायलेशन अट्रैक्ट फाइन ऑफ 500 to 10,000, जो ये म्युनिसिपल द्वारा लगाया गया है, बट लगा के इसका कोई उपयोग नहीं है। देखिए आप रोड के साइड पर कैसे यहाँ पर कूड़ा कचरा सब यहाँ पर फेंक रखे हैं। आओ, ये मीडिया का था, ये देखिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं उन लोगों को जगह नहीं मिलती है गाड़ी पार्क करने के लिए इसी कूड़े कचरे के कारण। आप देख सकते हैं गाड़ी पार्क किया उसका बीच में कितना यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर करीबन 2 गाड़ी तो यहाँ पर खड़ी हो सकती है, बट ये कूड़े कचरे के कारण यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकती गाड़ी, लोग यहाँ पर खड़ा नहीं कर सकते। और लोगों का ये कहना है रोड के जस्ट अपोजिट में यहाँ पर शॉप्स भी है, लोगों का कहना है कि यहाँ से बहुत ही गंदी बदबू भी आती है इस कूड़े कचरे के पीछे। और लोगों का ये भी कहना है कि जो कि म्युनिसिपल वाले हैं वो लोग उठाते नहीं है कचरा। ये देखिए अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा यहाँ से ही दिखाने के लिए। बताइए सर, आप अभी ये अभी देखता है ना, ये हमेशा चलता था, हर साल चलता था ये खाली एरिया का, ये मामला हमेशा रहता था। और बारिश का टाइम ना सर, आपने कभी कंप्लेन नहीं की? हम लोग को पहले जाके इधर ही तो म्युनिसिपल बोर्ड वाले का हमेशा कंप्लेन करता है। तो कंप्लेन करने के बाद में तो मैं आपको बताता हूँ, आपकी शॉप से 4 कदम की दूरी पर है म्युनिसिपल ऑफिस। हम लोग को हमेशा पता कर दिया था, इसलिए तो हमेशा पता करने से वो क्लीन होने से तो अभी देखा रहा ना कैसा पड़ा करके। मतलब यहाँ पर म्युनिसिपल वाले आते हैं कचरा उठाने? आता है, आते हैं और उठाते नहीं है। पब्लिक साइड को तो करके चला जाता है जी, तो ये आप साइड में तो कुछ नहीं करता, क्योंकि देख के तो लग रहा है कई दिनों से ये ऐसी पड़ा है। ये तो ना ओवर कचरा वाला तो बाहर करके इधर डालता है जी।
अंदर अंदर ले थोड़ा तंग करता है ना म्यूनसिपल बोर्ड वाला, ज़्यादा देता करके तो रात तो 8 बजे 9 बजे से लेके आके इधर डाल के जाता है। ये एरिया हम लोग का नहीं है करके बोल के कोई उठाता नहीं। तो फिर ये एरिया मतलब ये ऐसा म्यूनसिपल बोर्ड का, लेकिन हाँ रमजान अली का ना पहले काउंसिलर ना, उसका अलावा बोल के तो ऐसा पड़ा है। इधर कोई भी नहीं है ना, पब्लिक भी नहीं है ना। जी आप बताइए। नाम? मेरा नाम राहुल है। बताइए जी। सुबह जब हम आते हैं पार्किंग करने के लिए तो देखते हैं कि यार यहाँ पे लोग आते हैं और स्कूटी रोक कर कचरा फेंक कर चले जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमें पार्किंग करने में, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कंप्लेन नहीं की म्युनिसिपल वालों को? जी कंप्लेन की थी, उन्होंने बोला गाड़ी आएगा लेके जाएगा, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो वही प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब हम आए हैं हेडो के ओल्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के। यहाँ पर लोगों ने हमें बताया ये रोड का एंट्रेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर कूड़ा कचरा यहाँ पर फेंकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत अभियान अभी चल रहा है, ये है स्वच्छ भारत अभियान हमारा पोर्ट ब्लेयर के लिए, स्वच्छ भारत अभियान ये है। इसी के चलते हम आइए यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। सर बताइए। सर नमस्ते। क्योंकि हमेशा ये फुटपाथ में हमेशा कचरा रहता है, क्योंकि यहाँ जाने आने में दिक्कत होता है। देखिए दारू पी के पूरा बोतल का टुकड़ा रोड में है, और छोटा बच्चा लोग जलने में मुश्किल होता, और हमेशा बस्ती ये फुटपाथ और वो एंट्रेंस और वो एंट्रेंस में ही हमेशा ये कचरा यहाँ पड़ा रहता है। मैं हमेशा कंप्लेंट भी किया तो बोलता कि निकाल देता, मगर यहीं में कचरा रहता। सर आपने किसको कंप्लेन की? मैंने ये म्युनिसिपल का जो भी स्टाफ है ना उन लोग को भी कहा, 2-3 बार कहा, देखिए यहाँ में कचरा मत डालिए, या तो कचरा डालने से उसके लिए एक सेफ एक बॉक्स रखी है, डस्टबिन रखी है, और उसे रिमूव कर दीजिए डेली सुबह। तो आपको आपके कहने के बाद क्या हुआ यहाँ पर? मैं कोई एक्शन नहीं होता ना, हमेशा ऐसे रहता है। मैं अभी आपके कहने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपका सामने भी तो है ना, ये तरफ भी है और वो फुटपाथ में भी है, क्योंकि हम और वो नीचे का फुटपाथ हमेशा कचरा रहता है। और ये देखिए पूरा बस्ती में, ये पूरा बस्ती ये फुटपाथ है, और ये बस्ती में देखिए इतना कचरा है, और ये पूरा इतना कचरा, ताकि हम लोग भी तो लोग यहाँ रहता ना, तो हम लोग भी तो साफ़ सुथरा मांगता, तो बस्ती का कचरा यहाँ में नहीं आता, ये बाहर का ही कचरा रोड में आता हमेशा। आइए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर नमस्ते। सर यहाँ पे जो यूथ्स जो बैठते हैं यहाँ पे सारा रात भर ड्रिंक्स करते हैं, फालतू का कितना करते हैं, सारा पी पी के यहाँ पे बोतल वगैरह सारा तोड़ के डालते हैं। अगर हम उनको बोलते हैं तो भी वो अगेंस्ट में ही जवाब देते हैं, ना कि वो कुछ करते हैं। इवन वॉशरूम करके भी वो लोग डाल देते हैं, ना यहाँ से आ सकते हैं ना जा सकते हैं ना कुछ कर सकते। हाँ वॉशरूम करके पॉलिथिन में वॉशरूम करके, मैं आपको दिखा सकती हूँ लेके जाके, अभी वॉशरूम करके उसके अंदर डाल के रखते हैं, छोटे बच्चे आते हैं सारे जन बीमार हो जाते हैं। बोलने के बाद भी ये लोग नहीं सुनते, मतलब रेस्पॉन्स ही नहीं है सर, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, उल्टा हवा हमें डांटते हैं कि आप ऐसे क्यों करते हो। आप इस बारे में आपने पीसीआर में कंप्लेन की? आप लोगों ने तो नहीं किया है सर अभी तक। तो मैम आपको तो इस ये सब चीजों में आपको करना चाहिए ये मैम, क्योंकि जब ये सब आप लोग हैंडल नहीं कर सकते, ये सब हैंडल पुलिस करेगी। रात को बैठ के ड्रिंक्स पीते हैं सारे, रात को जितने भी हैं सब इसी के अंदर बैठ के ड्रिंक्स पीते हैं, बोतल तोड़ते हैं यहीं पे डाल के चले जाते हैं, कुछ भी बात बिल्कुल कोई नहीं सुनते नहीं है, यहीं के साथ है जितने। मैं आपको बताता हूँ इस वक्त आपको एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, और पास के जो पुलिस अधिकारी है और हमारे अंडमान निकोबार के जो निवासी है वो भी आपको देख रहे हैं, तो आप बताइए। और बहुत सारे पुलिस कर्मचारी भी आपको देख रहे हैं। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सर, प्लीज इसको थोड़ा साफ कर दीजिए और स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए। यहाँ पे कोई आए नहीं, कोई ड्रिंक नहीं करे, कोई कुछ वेस्ट कपड़ा नहीं बेचे, कुछ भी नहीं करे, प्लीज इतना खाली रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे कि इसका ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन कीजिए, ताकि फर्दर। ये बताता हूँ ये एरिया में पेट्रोलिंग होती है? बिल्कुल स्ट्रीट नहीं रहता, रात को 6 बजे के बाद में लेडीज यहाँ आने जाने में मुश्किल। यहाँ पर पेट्रोलिंग भी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल कोई आज तक पेट्रोलिंग में कोई भी पुलिस कांस्टेबल यहाँ तरफ नहीं आता, नहीं आता। सब आता है इधर में, वो सफाई की पाई कोई नहीं करता, अपना अपना आके वो कचरा हो गया उसका गंदा सब बाहर फेंक के चला जाता। म्युनिसिपल वाले आते हैं वो लोग कचरा नहीं उठाते? नहीं उठाते, इधर नहीं उठाते। आप लोगों ने कभी उनसे कहा? हाँ कहा। क्या बोलते हैं? उन लोग हाथ में देते, उन लोग लेके आके इधर रख देते यहाँ पे क्लीन करने के लिए। क्यों पता नहीं, ये तो बात हम लोगों को भी नहीं पता है कि क्यों ऐसा है। उनको यहाँ परमिशन नहीं मिला है कि यहाँ के ये एरिया पे क्लियर करने का परमिशन नहीं मिला, क्योंकि वो सब नीचे एरिया में आते हैं साफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये पूछना चाहता, तो यहाँ के एक्स काउंसलर कौन है? यहाँ के
यार सोमेश्वर राव। तो आपने कभी उनसे ये बात कही? बोले वो करें सब बात करें। हम बोले एक दिन मेरा बच्चा का पार्टी रखा था, शादी का पार्टी, वो टाइम बोला इधर अच्छा नहीं है भैया, थोड़ा हम लोग का म्यूनसिपल आके सफाई करने के लिए बोलिए, ऐसे बोलने से ठीक है अम्मा बोल देगा करके बोला, वही है और कुछ नहीं। हम भी हाथ में हम लोग का मेरा बच्चा लोग का सब करके थोड़ा सफाई करके हम लोग रहता। हाँ एक दिन आके इधर एक गाड़ी का सब कचरा उठा के उलग चले गया, मतलब एक बार बोलने के बाद मतलब आके काम की। ये देख सकते हैं आप, और एक नमूना है ये स्वच्छ भारत अभियान का, ये है हेडो एरिया का हाल, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जस्ट रोड के बगल है, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो बस्ती से जो कचरा उठाते हैं अगल बगल वाले, सारा कचरा को यहाँ पर लाके फेंक दिया जाता है। देखिए ये रोड का बगल है, अगर ऐसा कचरा कूड़ा कचरा यहाँ पर फेंक देगा तो यहाँ पर तो गंदगी ऐसी फैल जाएगी, यहाँ पर बीमारी तो आराम से हो जाएगी ऐसी, इसका जवाब कौन दे देगा। मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को कहना चाहता हूँ, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दे। और ये एरिया के लोगों का भी कहना है कि म्यूनसिपल वाले घर घर आके कचरा नहीं लेते हैं, बल्कि उन्हें ये लेना चाहिए घर घर आके कूड़ा कचरा उठा के गीला सूखा अलग करके ले जाना चाहिए, बट ये लोग वो ये काम वो लोग नहीं करते हैं। और जहाँ भी ये कचरा उठाते हैं हेडो एरिया में अगल बगल जो भी वहाँ से कूड़ा कचरा उठा के लाकर यहाँ पेपर फेंक दिया जाता है। ये हेडो तेलुगु मीडियम स्कूल के जस्ट अपोजिट है। रोड के जस्ट बगल इसे डंपिंग यार्ड बना रखा है इन लोगों ने, म्यूनसिपल वालों ने। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।